नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है और आप खबरों को देते हैं विस्तार। ग्वालियर के कोतवाली थाना इलाके के हुजरात रोड पर माधव प्लाजा के सामने बाइक सवार दो बदमाशों ने यहां बैंक से रुपए निकालकर जा रहे एक व्यापारी के सिर पर कट्टा अड़ाकर 3 लाख रुपए लूट लिए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि फरियादी मनोज मंगल मोती महल की SBI शाखा से 4 लाख रुपए लेकर निकला था और जैसे ही वो माधव प्लाजा पर पहुंचा, बदमाशों ने उसके सिर पर कट्टा अड़ाकर लूट की इस वारदात को अंजाम दे दिया। घटना स्थल पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी जाँच पड़ताल के लिए पहुँच गए थे। पैसे ले गए और क्या है, कितने ले गए, कहाँ से ले गए? वो माधव प्लाजा के वहाँ से दो जने थे बाइक पे, पाँच सौ रुपये हाँ कट्टा लाया था। भारतीय स्टेट बैंक मोती महल, हाँ यहाँ सामने खड़ा था वो, मैंने देखा उसको क्योंकि उसने अब कट्टा लगाया मेरा। मेरे 4 निकाले थे, 3 ले गए, वही 1 लाख रुपए, 500 के 2 पैकेट कागजों में कुछ गए, कागज रखे थे। मोती महल SBI शाखा से अपना पैसा 3 लाख रुपए विड्रॉ करके जा रहा था तो उसने बताया कि माधव प्लाजा के सामने हुजरात पुल के पहले किसी पल्सर पर सवार दो युवकों ने इसकी डिक्की में से इसको पैसा जो है इससे लूट लिया है। घटना इस मामले की हम जांच कर रहे हैं। 3 लाख रुपए बताया कट्टे की नोक से लूटा गया नहीं, एक्चुअल वो विजिबल नहीं हो पाया। इसको क्या था, इसका कहना था कि साहब उनने कपड़ा लगाया था ऐसा, तो मुझे लगा ये कट्टा है, उस पर कुछ भी हो सकता है। इसने अच्छा देखा नहीं है कि वो मंगल, ये मनोज मंगल करते क्या है, ये लकड़ी का इनका कारोबार है बैंड मार्केट में। घटनास्थल कहाँ का है? घटना स्थल माधव प्लाजा। सीसीटीवी वगैरह भी दिख रहे हैं फुटेज में, कुछ संदिग्ध? अभी हम लोग इसकी पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी वगैरह भी दिख रहे हैं, पुलिस हर एंगल पे प्रयास कर रही है। एक व्यापारी है वो यहाँ से कैश लेके जा रहे थे तो उनका हुजरात पुल के पास में वहाँ से लूट की घटना हुई है और हम लोग लगे हैं, कई टीमें लगी हैं इसको। किस तरह से लूटा गया सर, बंदे के नाम बता रहे हैं? नहीं, यहाँ से बैंक से लेके गए थे उनका, वहाँ से गाड़ी रोक के और कैश निकाला है उसमें से, डिग्गी में से, और ये कहना है कि कुछ लगा दिया, हो सकता है वो कट्टा या बंदूक क्या तो था। काई का 3 लाख रुपए बता रहे हैं, 4 लाख थे, 3 डिग्गी में रखे हुए थे, जेब में थे वो नहीं गए। वो शायद लकड़ी व्यवसायी हैं, ये हुजरात पुल के पास में ही उनका वो घटना वहीं पे इनके, रॉक्सी पुल हुजरात पुल के पास। क्या नाम है? मनोज नाम है सर, मनोज है। कहाँ रहते हैं? अब इनका रहने का तो मुझे पता नहीं, वहीं पे कोतवाली क्षेत्र में ही इनका निवास और व्यवसाय है। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका, देख रहे हैं। उसमें दो बाइक सवार देख रहे हैं संदिग्ध, अब वो सब चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोशिश यही है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इन दोनों स्मैक कारोबारियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक आरोपी को कैंसर पहाड़ी स्थित हनुमान मंदिर के पास से लाखों की स्मैक के साथ दबोचा है। आरोपी संजय शर्मा दतिया का रहने वाला है और यहां नाका चंद्रबदनी के किराए के मकान में रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 लाख कीमत की स्मैक और एक बाइक बरामद कर उससे अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने विगत 5 दिन में यह तीसरी बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कि एक व्यक्ति को 160 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है, जिसका नाम संजय शर्मा है, वो यहीं चंद्रबदनी ग्वालियर का रहने वाला है और उससे ये स्मैक जब्त करके NDPS एक्ट की कार्रवाई की है। विगत कुछ समय से संलिप्तता के बारे में, अवैध नशे का व्यापार करने के बारे में जो सूचना प्राप्त हो रही थी अलग अलग स्रोतों से, उसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है, की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मानपड़ा कहाँ ये सप्लाई करता था, इससे पूछताछ करके रिमांड लेकर के पूछेंगे और इनका जो पिछले समय जो लोग पकड़े गए हैं मैनपुरी के, मोहना भिंड के, उनसे क्या लिंकेज है पूरा निकाल करके और उसकी विवेचना की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कीमत में चूंकि ये लीगली नहीं बिकता, इसकी इस तरह से कोई कीमत नहीं बता सकता, लेकिन समाज के लिए बहुत घातक है, इस हिसाब से बहुत बड़ी कार्रवाई है। महाराजबाड़ा पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई।
और फुटपाथ कारोबारियों को हॉकर्स जोन कंपू में शिफ्ट किए जाने को लेकर लगातार फुटपाथ कारोबारियों का रोष बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मंगलवार को फुटपाथ कारोबारियों SDM CP प्रसाद से मिले और उन्हें अपनी समस्याएं बताई। इस मौके पर नगर निगम और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां निर्णय लिया गया कि जल्द ही सभी फुटपाथ कारोबारियों को कंपू हॉकर्स जोन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। भैया, अभी तो हमारे SDM साहब ने हमें बुलाया था यहाँ पे, क्योंकि कल जो धरना प्रदर्शन हुआ था, जबरन हमारा माल जब्ती किया गया था, उसी के माध्यम से वो वहाँ पे SDM साहब आए थे। उन्होंने कहा था कि कल आप अपनी जो भी मांगे हैं और जो हाईकोर्ट के आदेश हैं, वो आप अपने जो भी सख्ती से आदेश दिए गए हैं हाईकोर्ट ने, वो आप हमें दिखाएं, और जो हमारे नगर निगम के लोग हैं उनके आदेश हम मैच करेंगे कि किसके आदेश में कितना दम है, ये चीज़ देखा जाएगा। तो SDM साहब ने जब वो आदेश पढ़े हाईकोर्ट के, तो उसमें जो नियम दिए गए हैं उस नियम का 1% भी पालन नहीं किया गया। इस कारण से SDM साहब ने इन लोगों की फटकार लगाई कि ये क्या कर रहे हो आप, कि ये हाईकोर्ट का जो आदेश है कि फलाना फलाना इस तरीके से ये करना है, पहले नगर विक्रय समिति का गठन करना है, आपने नहीं किया, फिर उसके बाद में पंजीयन करना है आपको, आप लोगों ने पंजीयन नहीं किया, फिर थर्ड राउंड में ये है कि सभी जो भी विक्रय धारक हैं उनको आप एक प्रमाण पत्र देंगे, उनका कार्ड बना के देंगे उनका, और बाकायदा उसके अंदर जो आप उसको पंजीयन क्रमांक होगा उसका नंबर डाला रहेगा, और उसके बाद में एक सूची बनेगी, सूची के बाद में आप उनको पुनः विस्थापित करेंगे, उनको एक जगह चिन्हित कराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो SDM साहब उनका खूब रिमांड ले रहे हैं, और इसी चीज़ के पीछे उन्होंने कहा कि आप लोग गलत हो और जो भी कायदा कहता है कानूनी प्रक्रिया में उसको करें और हाईकोर्ट का पालन करें। ये एक्चुअली हॉकर्स हैं जो नजरबाग मार्केट, सुभाष मार्केट, इन सब जगहों पर अतिक्रमणकारी के रूप में बैठे हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के भी जो आदेश हैं उसके अनुसार ये अतिक्रमणकारी हैं, फिर भी इन पर नगर निगम ये विचार कर रही है, उनका सर्वे करा चुकी है कि इनको दूसरे जगह हॉकर्स जोन में शिफ्ट किया जाए। नियमानुसार नगर निगम वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिस जगह पर ये बैठते हैं वो तो अतिक्रमण है, उसको तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भी हटाना ही पड़ेगा और हटा ही दिया गया है। नहीं, बाड़े पर तो रखने का सवाल ही नहीं है, बाड़े पर तो रखने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन भी नहीं होगा, बाड़े से तो हटना ही पड़ेगा नजर मार्ग मार्केट, सुभाष मार्केट में, बस दूसरी जगह शिफ्टिंग की कार्रवाई होगी। जगह तो नगर निगम ने ढूंढा है हॉकर्स जोन कंपू में, जैसा नगर निगम बता रहा है। प्रशासन के तमाम बावजूद JH परिसर में व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही हैं। ऐसे में JH प्रशासन के अधिकारियों द्वारा तो JH की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी भी मामले पर नजर रखे हुए हैं। इसी तारतम्य में संभागायुक्त महेश चौधरी भी मंगलवार को JH एवं KRH हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्हें कई जगह खामियां भी देखने को मिली, जिस पर उन्होंने सभी खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही JH के मुख्य भवन में खराब पड़ी लिफ्ट को दोबारा जल्द शुरू करने की बात कही। पिछले मंगलवार को भी निरीक्षण किया था और उस समय बैठक ली थी, आज फिर से आकस्मिक रूप से और देखा जा रहा है। जो हॉस्पिटल में कैंपस में चूहे हैं और अंदर वार्ड में भी चूहे हैं, सफाई की स्थिति, लाइट पानी की स्थिति और मरीजों को सुविधाएं ठीक मिले, इसके लिए भ्रमण किया जा रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। जो अपना सफाई के लिए वेंडर्स हैं उसके काम को देखेंगे, और काम ठीक प्रकार से नहीं करते हैं तो जो अनुबंध है उसकी शर्तों के अनुसार आगे का एक्शन लिया जाएगा। लिफ्ट का काम चालू है और चीज़ों को बहुत तेज़ी से ठीक करवाएंगे। ग्वालियर के राजा बागेश्वर मंदिर में इन दिनों वार्षिक उर्स का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में यहाँ तमाम धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, और उर्स के मौके पर यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी हो रहा है, जिसके लिए मंगलवार को यहाँ कलश यात्रा का आयोजन किया गया। गिरिराज मंदिर से शुरू हुई यह कलश यात्रा राजा बागेश्वर मंदिर पर पहुँची, जहाँ भागवत कथा का आरंभ भी हो गया। सदगुरु बाबा चैतन्यनाथ महाराज राजा बागेश्वर महाराज जी के 92 वर्ष महोत्सव में ये 8वीं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है।
इसकी कलश यात्रा गिरिराज मंदिर से निकाली जा चुकी है और ये शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पाटनगढ़ बाजार, दौलतगंज, गुजरात से होते हुए राजा बख्श मंदिर पर ही पहुंचेगी और इसमें 108 कलश निकाले गए हैं। इसमें हमारे कथा व्यास जो हैं समर्थ तीर्थ महाराज जी हैं, जिनका गिरवाई पे बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है और काफ़ी पहुँचे हुए मानते हैं लोग। बाग इनकी कथा जब श्रवण करेंगे उनको बहुत आनंद आएगा। ये कथा सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी धर्मों को जोड़ने के लिए एक हमारा उद्देश्य है कि सर्व धर्म जितने भी धर्म हैं सब एकता के साथ रहें, एकजुट होकर रहें, यही हमारी सबसे विनती है। लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी के लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना शुरू कर दी गई है। इसी तारतम्य में सामग्री वितरण से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मंगलवार को भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान के ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया गया, जिसके कि मतदान से लेकर मतगणना तक सभी चुनावी कार्य सही तरीके से संपादित हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभारी जिला तकनीकी विशेषज्ञ आरएस जादौन सहित यहां तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे यहाँ जो MLB से हम लोग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसमें 64 प्रकार के और उसका 52 प्रकार के स्टेटूटरी आइटम्स भी हैं, तो सभी के बारे में उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है कि कौन सा प्रपत्र किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, उसको कैसे भरना है, तो ये पूरी प्रक्रिया का पालन करना होता है, तो इसलिए आज उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है सभी कर्मचारियों। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा युवाओं के हित में किए जा रहा कुठारघात और युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। गांधी रोड स्थित करार भवन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में ग्वालियर से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह की धर्मपत्नी राजेश रानी सिंह का NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। जे युवा सिंह जी की पत्नी का स्वागत किया गया है, युवा देगा जवाब, उसके लिए स्वागत सम्मान रखा गया है कि जिला हमारे NSUI जिला उपाध्यक्ष श्री शिवराज सिंह यादव जी ने के नेतृत्व में ये किया गया पूरा प्रोग्राम। वो युवा इसलिए जवाब देगा जो मोदी जी ने जैसे मोदी जी की जो गलत तरीके से उनकी जो योजना है उनका जवाब हम युवा देंगे। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह मंगलवार को ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा किए जा रहे कामकाज का ब्यौरा दिया। इसके साथ ही अंचल में कांग्रेस प्रत्याशियों की भारी बहुमत से जीत का भी दावा किया। लाहौर के कद्दावर नेता और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर में मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा की और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार में प्रदेश की जनता खुश है और इसी के परिणाम के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। वो हमने अधिकांश वचन पालन कर दिए प्रदेश की जनता के लिए कर दी है और इसके प्रदेश की जनता खुश है। हमने तीन महीने की सरकार में इतने ज़्यादा काम कर दिए हैं, उस आधार पर हम कह सकते हैं और जनता का हमें समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है और मध्य प्रदेश में हम भारी बहुमत से लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। भिंड कांग्रेस प्रत्याशी देवाशीष के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि देवाशीष के खिलाफ RSS के इशारे पर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि इसके द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई अनगल बात नहीं की गई है। वो 2 साल पहले कांग्रेस में शामिल हो गया था और लगातार पार्टी फोरम पर काम कर रहा है। तर्क तो है, उनको चुनौती दे दी है, मान हानि का दावा कर दिया है कोर्ट में देवाशीष ने कि आप प्रमाण दो कहाँ। जब स्टूडेंट था बेचारा पढ़ रहा था तब वो कह रहे आंदोलन में 2015 में JNU में शामिल था, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य था। वह ग्वालियर में आपने देखा, आप लोग तो यहाँ के निवासी हैं, कब देवाशीष ने यहाँ आंदोलन को लीड किया? चुनाव आंदोलन के पहले और आंदोलन के बाद करीब 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने बाद ग्वालियर में नहीं आया। और कम से कम दो वर्ष पहले से देवाशीष कांग्रेस में शामिल हो चुका है।
भोपाल सीट पर साध्वी प्रज्ञा भारती के उतरने के बाद बने राजनीतिक हालातों पर श्री सिंह ने कहा है कि प्रज्ञा भारती का इस चुनाव में कोई असर नहीं देखने को मिलेगा और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर दिग्विजय सिंह लाखों वोट से जीत कर आएंगे। दिग्विजय सिंह जी लाखों वोटों मतों से प्रज्ञा को हराकर भोपाल के सांसद बनेंगे। कहते ही नहीं, हमारे लाहौर के रहने वाली लड़की है, जब लाहौर में असर नहीं है, उनके पिताजी पैदा हुई पढ़ी लिखी लाहौर में, एक वार्ड में नहीं उनका असर नहीं है, आधे वार्ड में कोई नहीं जी सकता, तो भोपाल में कैसे क्या करो। मैंने सब देखा, साधारण प्रज्ञा बचपन में साधारण लड़की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद ने उसको आगे बिगाड़ दिया, उसको लाके क्रिमिनल तक सिखाने का काम किया, आपराधिक प्रवृत्ति में घुसने का काम किया है, सांप्रदायिकता ठूस ठूस बनने का काम किया है, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के लिए उसको उसके दिमाग में ब्रेन वॉस किया है। ये सब इसका दोष प्रज्ञा को नहीं, RSS को, भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन कार्यों में लगातार तेजी देखी जा रही है। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को ग्वालियर संसदीय सीट के निर्दलीय उम्मीदवारों को यहां चुनावी कार्यों के सिलसिले में MLB कॉलेज में बुलाया गया, लेकिन यहां ना तो प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचा और न ही इन निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए यहां कोई इंतजाम किए गए। ऐसे में इन उम्मीदवारों में जिला प्रशासन के खिलाफ रोष देखने को मिला और इनका आरोप है कि राष्ट्रीय पार्टियों के इशारे पर प्रशासन उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है। यहाँ पर हमें सुबह फ़ोन आया था 10 बजे समथिंग कि 11:30 बजे आपको MLB कॉलेज पहुँचना है, तो मेरा मैं दौरा करने जा रहा था कि गांव का, तो उस कारण से मैं नहीं जा पाया और मुझे 11:30 बजे यहाँ पर आना पड़ा। और लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है और अभी कोई अधिकारी वगैरह भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं और हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्रक्रिया शुरू हो जाए तो हम देखें कि क्या करना चाह रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि शायद जो EVM वगैरह अंदर रखी हुई है उसकी सफाई वगैरह की जाएगी, तो वो हम लोगों को देखना है, इसलिए बुलाया गया हमको। जो यहाँ जो हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पानी की भी समस्या है ना, पानी यहाँ अवेलेबल है और यहाँ जो यहाँ पर जो EVM की सफाई वगैरह की जो ना टेबल वगैरह लगाई है वहाँ पर ना पंखे हैं ना कुछ है। मैं भी वहाँ खड़ा रहा, आधा घंटे में मुझे भी पसीना आने लगा क्योंकि पारा इतना हाई है, तो उसको देखते हुए कोई व्यवस्था नहीं की गई यहाँ पर अधिकारियों द्वारा। क्या है माननीय चुनाव अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार हम लोग यहाँ पर कॉलेज में एकत्रित हुए, 11:30 बजे उन्होंने आमंत्रित किया, 12 बजे तक अपन हैं, अभी तक चुनाव अधिकारी कोई भी किसी प्रकार का यहाँ उपस्थित नहीं है। किस प्रकार का होना है क्या नहीं होना, न पानी की व्यवस्था, न बाहर लोगों को बेंच भी डाल दी जाती, फर्श भी डाल दिया जाता, तो भी हम लोगों को संतुष्टि मिलती कि चलो हमको क्या है, एक झाड़ू वाले से भी नीचे क्या है, मतलब सफाई कर्मचारी की श्रेणी में भी तो भी लाया जाता तो भी हम संतुष्ट रहते। किंतु मैं यह दुर्भाग्य की बात कहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों के सिवाय किसी को भी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में कैंटीन में लगी आग के मामले में रेलवे प्रशासन जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने की बजाय प्रभारियों पर कार्रवाई कर रही है। एक दिन पहले 2 कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद प्रभारी डिविजनल कॉमर्शियल इंस्पेक्टर AK सिन्हा को रेलवे प्रशासन ने निलंबित कर दिया। श्री सिन्हा को DCI बाइके मीणा के छुट्टी पर रहने के कारण प्रभार दिया गया था। इस मामले में रेलवे ने उन्हें दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया। सिलेंडर के पाइप से गैस लीकेज होने के कारण ग्वालियर रेलवे स्टेशन की कैंटीन में लगी आग के मामले में उप स्टेशन अधीक्षक वाणिज्य पद से रिटायर्ड अशोक मिश्रा ने रेलवे की जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि स्टेशन निर्देशक दीपक चौबे की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है। वे स्टेशन में बैठने की बजाय तानसेन रोड पर स्थित एरिया मैनेजर कार्यालय में बैठते हैं। स्टेशन की कैंटीन में क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदार अफसरों ने जांच नहीं की, यदि जांच की होती तो कैंटीन में इस तरह 13 सिलेंडर नहीं रखे मिलते। इस मामले में रेलवे प्रशासन जिम्मेदार अफसरों को बचा रही है, साथ ही जांच कमेटी में स्टेशन निर्देशक को शामिल किए जाने पर श्री मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि वे इस मामले में रेलवे बोर्ड तक शिकायत करेंगे, साथ ही कैंटीन में लगी आग की जाँच बोर्ड स्तर पर करवाने की मांग करूँगा। उनका कहना है कि कैंटीन में रखे 13 सिलेंडर यदि फट जाते तो इससे स्टेशन में बड़ा हादसा हो सकता था। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।